नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल के बारे में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा लेवल लॉ का एग्जाम हो चुका है। तो जिन साथियों का लेवल लॉ का एग्जाम अच्छा गया है, बिल्कुल अच्छा गया है, कहने का मतलब पास हो जाएंगे अच्छे से, तो वो कृपया करके कमेंट में थम्सअप कर दें, जरूर कमेंट में थम्सअप जरूर कर दें। जिन साथियों का लेवल लॉ का पेपर अच्छा गया है, मुझे तो वही बहुत अच्छा लगा था, तो आपका भी अच्छा ही गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो हम बिना देरी क्यों है, आज लास्ट ईयर का एनवायरमेंटल का क्वेश्चन पेपर है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। और जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको लॉ से रिलेटेड ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, मिट्टी का कटाव सतही मिट्टी को हटाता है, जिसमें शामिल है क्या क्या है, कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं और पौधों के पोषक तत्व जिसमें शामिल होते हैं। तो जो मिट्टी का कटाव होता है वो सतही मिट्टी को हटाता है, तो ये ए और बी, ऑप्शन सी दोनों सही है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परतंत्र कौन सा नहीं है, तो मछली घर, ये प्राकृतिक परतंत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल क्या है, यह है तरल, पपड़ी या पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत है, ये नहीं है भाई, इसका सही आंसर होगा यह हवा की मोटी परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है, ठीक है। वायुमंडल क्या है, हवा की मोटी परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन है, तो बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बायोगैस में मुख्यतः शामिल है, तो बायोगैस में मुख्यतः क्या क्या शामिल है, मीथेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी शामिल हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है, तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ऑल ऑफ अबव उपयुक्त सभी हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो ऊर्जा प्रवाह कौन कौन है, दिशात्मक है, बहुदिशात्मक है, द्विदिशात्मक है, ये चारों ओर होती है, ये ऑप्शन में एक भी नहीं होगा, ये चारों ओर है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चारों ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है, तो ये क्लाइमैक्स का है, ठीक है, क्लाइमैक्स। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल घास के मैदान और टुंड्रा क्षेत्र के कौन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र और बायोस्फीयर, ये सभी उदाहरण हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन का अर्थ है, तो पर्यावरण आकलन का क्या अर्थ है, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का अध्ययन जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है और परियोजना की संभाव्यता का अध्ययन, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अनुसार पर्यावरण को संदर्भित करता है, तो पर्यावरण को क्या संदर्भित करता है, जलवायु तथा भूमि, अन्य जीवित जीव पौधे और सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति, अंतर संबंध जो जल वायु भूमि और मनुष्य के बीच मौजूद है, ये सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अभिसमय अपनाया गया था, तो बियना अभिसमय, ये आपको पता होना चाहिए, बियना अभिसमय ओजोन परत के संरक्षण के लिए अपनाया गया था। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर है, तो यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर क्या है, तो ये है क्यूलेंडो धना घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्यूलेंडियो घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक विश्व धरोहर है यूनेस्को की। अगला क्वेश्चन है, UNCD 1992 रियो डी जेनेरियो में किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में ये अधिनियमित किया गया था, ठीक है, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानी के अलावा किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने पर पानी को जल प्रदूषीकरण कहा जा सकता है, किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने पर जल प्रदूषीकरण कहा जा सकता है, ठीक है। अप्रैल 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरुणाचल प्रदेश में
प्रस्तावित पन बिजली परियोजना को गायल्स को बचाने के लिए निलंबित कर दिया। ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये शुरू हुआ था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिट्टी बचाओ अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, आंदोलन पर्यावरण जीवन समर्थित प्रणाली है जिसमें शामिल हैं कौन कौन है? वायु है, जल है, भूमि है, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वायु प्रदूषण के लिए निम्न से कौन सा प्रबंधन वैकल्पिक है? तो ये विनियमन और मानक, यातायात योजना, ईंधन के रूप में CNG का उपयोग, ये सभी हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सतत विकास का अर्थ है, तो सतत विकास का क्या अर्थ है? मानवीय आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। ठीक है, और मानव की प्रगति, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जलवायु कारक है? तो कौन है? दबाव है, नमी है, तापमान है, ये ऑल ऑफ एव। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सभी है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाई लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पहला वन अधिनियम वर्ष कौन सी वर्ष में हुआ था? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये वाला आंसर। पहला वन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से एक भारत में लागू होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम है, तो ये कौन सा है? जल अधिनियम, जल अधिनियम सबसे पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, NGO का मतलब है, NGO का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, बायो अधिनियम में कितने सेक्शन हैं, कितने धाराएं हैं? तो 54 धाराएं हैं। ठीक है, बायो अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, बायो अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण के रूप में वर्ष 1981 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1981 में। अगला क्वेश्चन है, बायो रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में अधिनियमित किया गया था, अभी ऊपर भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायो अधिनियम में भाई कितने चैप्टर हैं? तो 7 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है, बायो अधिनियम में एयर एक्ट में कितने? 7 चैप्टर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल प्रदूषण का कारण है, तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, मानवीय गतिविधियां और जनसंख्या वृद्धि, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो किसने किया था? एनजीटी ने विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने वाले या इस्तेमाल करने वाले किए जाने वाले माझा जो होता है, पतंग उड़ाने वाला माझा जो होता है जिससे पतंग उड़ाते हैं, माझा को किसने प्रतिबंधित कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता था माझा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई कब हुई थी बताइए? 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिनका पेपर लेवल लॉ का ख़राब हो चुका है या जिनका लेवल लॉ का पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ है, तो वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के जो भी एग्ज़ाम है उन पर ज़रा अपना फोकस करें, तो ज़्यादातर डरने की कोई बात नहीं है। जिसका भी है, अब एक के लिए तो कोई एग्ज़ाम टफ आया नहीं था, हालांकि एग्ज़ाम टफ था थोड़ा, तो सभी के लिए एग्ज़ाम टफ था, तो ज़्यादा अब उसमें उसके ही पीछे अपना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संगठन है? तो कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये सर्वोच्च संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केंद्र सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नामित किया जा सकता है? तो कितने अधिकारियों को किया जा सकता है नामित? ये आपको 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला, खतरे में पड़े जानवरों और पेड़ों का सुरक्षा के लिए प्रजाति देखभाल इकाई में रखना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वन विषय को राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो ये
संविधान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कई वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण कई वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी ने हाल ही में वन्य जीव की महत्वता को प्राप्त किया है? तो किस पक्षी ने, ये तुगंदर पक्षी ने वन्य जीव की महत्वता को प्राप्त किया, इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है जिसे इंग्लिश में। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था, 2010 में। भारत में 2014 में लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया? लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसार उपकरण है, तो क्या? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और एक है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों ये लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित दिन के समय ध्वनि मानक है, तो निर्धारित दिन के समय ध्वनि मानक कितना है? 55 GB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मानक से अधिक होने पर शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है, कितने से अधिक होने पर? 80 से 99 DB से अधिक होने पर शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जानवरों और पौधों को सबसे अधिक अच्छी तरह से संरक्षित किया जा सकता है, तो सबसे अधिक अच्छी तरह से अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है, तो सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण क्या होता है? ये रासायनिक द्वारा होता है, रसायनों द्वारा। ठीक है, केमिकल्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदूषण जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारक बनता है, उसे क्या कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी उसको कहा जा सकता है, सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा है? ये भी आप आंसर कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, G8 की 34वीं बैठक में हुई थी, तो अभी देखो G20 की जो बैठक है अभी वो इंडिया में है, इंडिया में जिसकी बैठक है चल रही है अभी, तो G28 की जो 34वीं बैठक थी वो जापान में हुई थी। ठीक है जापान। तो दोस्तों, ये आपके लास्ट ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपके लिए बस वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।